देश और प्रदेश की सरकार इवेंट वाली इस सरकार को केवल अपनी मार्केटिंग करनी है, काम नहीं करना कुछ। उत्तर प्रदेश में हम पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। अल्प समय के लिए रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से हमारी टीम ने खास मुलाकात की। पूर्व मंत्री ने भाजपा को बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट का खिताब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत, मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं सर्किट हाउस में। हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का विंध्य में दौरा हुआ, पिछले साल चुनाव का होना है, आपका जो पिछला चुनाव था उसमें विंध्य से आपको काफ़ी निराशा हुई थी, तो इस बार क्या संभावनाएँ देखते हैं? देखिए, तो पिछली बार जरूर निराशा हुई थी, पर इस बार जो है ना विंध्य रीजन के साथ साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ माहौल है, क्योंकि इन्होंने जितने वादे किए थे एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। ये झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। अब उदाहरण के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास में लोग पहले गृह प्रवेश कर चुके हैं, अभी जो हम लोगों के टाइम में जिनमें गृह प्रवेश हो गया था, बीच में इवेंट उसके लिए किया था, नया कुछ भी नहीं है। अभी 50,000 का इवेंट में फिर से अभी कल किया है कि 50,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवा। अरे ये बातें करना बंद करो। सच बात तो ये कि आपके पास राशि नहीं है, ये राज्यांश जमा नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली से जो राशि मिलनी है 60% वो रिलीज नहीं होती है, तो अभी स्थिति बहुत ख़राब है मध्य प्रदेश की, और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा की सरकार कसूरवार है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या ये प्रदेश की देश की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है? ना काला धन आया, ना इन्होंने किसानों की फसल बीमा राशि का, ये इवेंट करते हैं कि हमने इतने 1,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिया, अब किसान ढूंढ रहा है बेचारा, ना इनका सम्मान निधि का पता किसान का, तो कौन खुश है इनसे? बिजली के बिल में लोग परेशान हैं, बढ़ा दिया बिजली के बिल, वसूली अभियान चल रही है, गाँव की लाइटें काट रहे हैं, क्लोजिंग ईयर मना रहे हैं कि क्लोजिंग वर्ष चल रहा है, तो कई गांवों की गरीब बस्तियों की बिजली काट दे रहे हैं, तो लोगों को सब चीज़ें पता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, 4 दौर के चुनाव हो गए हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं, क्या स्थितियां आप क्या आकलन करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से कमज़ोर थी, ये पूरे देश में पता है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश प्रदेश में सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा किए, वो जो नारा दिया महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का, और जिस तरह की वहाँ पे जो परिस्थिति है उसके अनुरूप हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पोजीशन में रहेगी, सरकार बने या नहीं बने, पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को भविष्य में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। भाजपा केवल इवेंट करती है, इवेंट वाली सरकार है, ज़मीन पर सबको दिखाई दे रहा है किस तरीके से उनने अपनी भूमिका निभाई है, एक भी